इन लोगों को बाइट से पैसा आता रहा, लेकिन बाइट से पैसा किस चीज का आ रहा था इसका सबूत नहीं दे पा रहे। वफाकी वजीर मुराद सईद की नैब के हाथों गिरफ्तारी, ख्वाजा आसिफ पर चढ़ाई। ख्वाजा आसिफ का यूएई में लेबर नंबर और फ्रंटमैनों के नाम भी बता दिए। आप बेगैरत किस्म के मर्द हैं जो मरियम को अपना लीडर मानते हैं। थप्पड़ मारने की धमकी पर फिरदौस आशी कैवान का मियां जावेद लतीफ को जवाब। फिरदौस आशी कैवान ने मरियम नवाज को ऐसा क्या कहा जिस पर मियां जावेद लतीफ ने इन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दे दी। नून लीग के दोनों अराकीन असेंबली ने कहा है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं, असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगु। हमने डंडा झंडे के साथ पकड़ा है, आपने पता नहीं कैसे पकड़ा। आप बड़े हैं वरना आपको डंडा झंडा और इंगली का मतलब बता देता। आमिर लियाकत और हाफिज अब्दुल्ला में नोक झोंक। नैब का नोटिस मीडिया पर पहुंच जाता है लेकिन फजलुर रहमान के घर पहुंचने के लिए डरता है। नैब हिम्मत करे और मौलाना को बुलाए, फिर पता चल जाएगा। तलाल चौधरी का नैब को चैलेंज। कोरोना की सूरत हाल संगीन होने लगी। कोरोना वायरस मजीद 55 जिंदगियां निगल गया, अमवात 10,000 से जायद हो गई। हुकूमत ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चेयरमैन रुईते हलाल कमेटी के ओहदे से हटा दिया। मौलाना अब्दुल खुबैर आजाद ने चेयरमैन मुकर्रर। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से जगह बनाने लगी। वफाकी हुकूमत के बाद टोयोटा ने भी डाइस फाउंडेशन के इश्तराक से बड़ा कदम उठा लिया। अमरीकी सोशल मीडिया स्टार का अपने बेटे के साथ पाकिस्तानी गीत शकरवंडा पर दिलचस्प रक्त सोशल मीडिया पर वायरल। गुज़श्ता 10 साल में सिंध हुकूमत को 8,000 अरब से ज़ायद की रकम मिली, कहां खर्च हुई मालूम नहीं। सही मरतम शुमारी के बाद जो कराची और हैदराबाद से जीतेगा वो सिंध में हुकूमत बनाएगा। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल। PTI हुकूमत नहीं चाहती कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करे। क्या ख्वाजा आसिफ को इस्टेब्लिशमेंट से रब्तों पर गिरफ्तार किया गया। सुहेल बड़ाइच ने बड़ा दावा कर दिया। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं वजीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। इस्तीफों का फैसला मुअख्खर, नून लीग का ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। इस्लामी जमीत तुलबा का गवर्नर हाउस के बाहर HEC की जानिब से 2 साल डिग्री पर प्रोग्राम खत्म करने के फैसले पर एहतजाज। कल मेरे पीछे IB और एजेंसीज की 5 गाड़ियां लग गई। मेरी सिक्योरिटी ने कहा मरियम बीबी गाड़ी आसपास मंडरा रही है, शायद आपको गिरफ्तार कर ले, रास्ता बदल ले। मैंने कहा रास्ता भी यही होगा, गाड़ी भी यही होगी, जो करना है कर लो। मौलाना के नाराज साथियों के इजलास की अंदरूनी कहानी। मजहब के नाम पर सियासत करने वाले मौलाना फजलुर रहमान को इनके अपने ही साथियों ने कुरान हदीस का हवाला देकर झूठा और बददयानत करार दे दिया। मौलाना रास्ते से भटके शख्स करार, JUI इजलास के 31 नुकात। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नायब इमाम के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी नायब इमाम कत्ल, जर्मन एलिया और भाई जेरे हिरासत। देखिए PDM के इस्तीफों पर सोशल मीडिया सार्फीन के दिलचस्प तबसरे और मीम्स। अरब पार्टियों के दर्जनों रहनुमा इमरान खान के इस्तीफे का प्लान बनाते रहे और इमरान खान ने एक ज़िमनी इंतखाबात की चाल चलकर सबको ख्वार कर दिया। अखे कहंदे ने खान नूं सियासत नहीं आंदी।
पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर मजीद तरक्की की जानिब गामजद, अगले 6 माह के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गए। क्रोशिया में 6.4 शिद्दत का खौफनाक जलजला, मेयर की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमीन झुलने लगी मगर मेयर और कैमरा मैन ने अपने औसान काबू रखे। देखिए हैबतनाक वायरल वीडियो। Sve se srušilo. Znači, ovo je bio još jači. चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस, नवाज शरीफ की दूसरी साहिबजादी भी शामिल तफ्तीश, शरीफ फैमिली की नैब के इकदाम की मजम्मत जानिए। चौधरी शुगर मिल्स खसारे में होने के बावजूद असमा नवाज को कैसे मुनाफा आता रहा। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत में इजाफे पर हुकूमत का नोटिस, वजीर आजम इमरान खान का कारें महंगी करने वाली कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। 40 साल गुजरने के बावजूद तीनों कंपनियां कारों की मुकम्मल तैयारी में शुरू ना कर सकी।